चास नगर निगम गंदगी का शहर बनता जा रहा है। यहाँ ना तो नगर निगम के अधिकारी इसको लेकर संजीदा है और ना ही सफाई का काम करने वाली 3R कंपनी। शहर का सबसे पॉश इलाका बाईपास रोड स्थित भलोटिया गली में कचरे का अंबार 12 महीने लगा ही रहता है। बता दें कि यह गली काफी व्यस्त है, बावजूद इसके अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वहीं यहां हर समय पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इस रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं को भी इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां लोगों के लिए टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन टॉयलेट के पास गंदगी का अंबार रहने और टॉयलेट में गंदगी होने के कारण लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम को इसके लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं स्थानीय दुकानदार का कहना है कि यह शहर का सबसे व्यस्त मार्केट है, यहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन गंदगी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई का नाम पे जीरो हो रहा है। दो सुलभ शौचालय बन रखा है, लेकिन आज तक हमको लगता है ये 5 साल से बना हुआ है, लेकिन आज तक सफाई का उसमें काम नहीं हुआ है। उन लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा कि इस गली में जो लेडीज वगैरह जो क्रॉस करती है, तो यहाँ जो भी पेशाब वगैरह करते हैं वो शर्म आनी चाहिए लोगों को कि महिलाएं भी पार करती है, पुरुष भी पार करते हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। दूसरा क्या है, कचरा का अंबार लग रहा था, सप्ताह सप्ताह महीनों महीनों लगा रहता है, मगर कोई इस चीज़ को ध्यान नहीं देने वाला है। नहीं अभी सफाई का, यहाँ नगर निगम का गाड़ी भी नहीं पहुँचता है। देखिए गाड़ी ठेला खड़ा है, सड़ा हुआ, ऐसे ही लगा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि कम से कम स्वच्छता पे ध्यान दे, कि चास हम लोग का स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, अच्छा लगता है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।